अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लश्पेश होंगे। वेलकम टू मोहम्मद शहाब। आज हम लोग मुरादपुर गांव से, जो आपको बोर्ड नजर आ रहा है, वकास गांव, यहाँ से वापस जा रहे हैं। यहाँ हम लोग आए थे दो तीन वीडियो बनाने, आप लोगों ने देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो ऊपर ही आई बटन में आ रहे हैं। एक गांव वाला बनाया था, सॉरी गांव का कह रहा हूँ, एक बनाया था पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर गए थे, जो यहाँ से वकास गांव के करीब बॉर्डर लगता है। और उसके अलावा दूसरा हमने वीडियो बनाया था, जो हम गए थे जिन्होंने एक कोई बनाया कि हिस्टोरिक बिल्डिंग बनाई है कोई, तो उसकी भी एक मिस्ट्री है। उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, घोस्ट हॉन्टेड बिल्ड बाय जिन करके कुछ ऐसे करके उसका टाइटल है। तो आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और ऊपर यहाँ आई बटन में भी आ रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। बाकी ये सीन है कि सुबह हम लोग 7 बजे उठे थे, अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं। इसके बीच इस दौरान हमने जो है नाश्ता वगैरह किया, अपने जो चार्जर है, पावर बैंक, ये वो सब वगैरह चार्ज किए, और थोड़ा बहुत काम था जो आपने लास्ट ब्लॉग देखे उनके थंबनेल वगैरह अपडेट करने थे वो अपडेट किए। जिस टाइम हम लोग उठे थे उस टाइम धूप निकली हुई थी, लेकिन अभी मौसम काफी ज्यादा जबरदस्त है, बादल निकले हुए। जैसे हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो मौसम भी अच्छा हो गया, जब हम यहाँ पे थे तब मौसम ऐसा ही था। तो यहाँ से भी निकलते हैं मैं और विकास, थोड़ा बाइक का एक और मसला भी, हैंडल थोड़ा टेढ़ा हो गया तो इसको भी ज़रा रिपेयर कराना है। यहाँ से मोड़ पे जाते हुए, जो सबसे नियरेस्ट सिटी यहाँ पे लगता है वकास के गांव का, वो नारंग मोड़ है, तो वहाँ जाते हैं अभी और इसको ज़रा ठीक करो। यहाँ से नारंग मोड़ से सीधा मुरीदके से चादरे और आगे से जला हो। बाइक का हैंडल टेढ़ा है, आपको मैंने बताया था कि नारंग मोड़ पे जाके इसको रिपेयर करवाएंगे। अभी ये चक्कर लगाने जा रहे हैं, जरा देख रहे हैं किस तरफ को ज़्यादा टेढ़ा है, राइट साइड को ज़्यादा झुका हुआ है। जब सीधा चला रहे थे ना, हल्का सा राइट साइड पे ज़्यादा है। अभी ये गए हैं, जरा एक बार चेक करके आते कान से पता किया यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे लगेंगे और इतना टाइम हमारे पास नहीं, हमने वापस आके लाहौर में एक दो छोटे काम भी वो भी करने हैं तो बहुत देर लग जाएगी, तो हम ये काम लाहौर से ही करवाएंगे। यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ काम करवाने बहुत टाइम लगेगा, जाके लाहौर से करा। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब यहाँ से आगे। क्या प्लान है आपका? चिप्स खाने का। चिप्स खाने का नहीं, जाना कहाँ है? साढ़े घर घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं वकास को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वकास है, वो छली खा रहा है और मेरी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। तो अभी थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे फिर चलेंगे हेल, जो आपको दिखाया ना, जो हम रास्ते में बाइक वगैरह रिपेयर कराने गए थे, लेकिन वो हम चाह रहे थे वहाँ पे ना करवाएं क्योंकि टाइम वहाँ बहुत लगना था। तो हम यहाँ अभी लाहौर से करवाएंगे। गली कैसी है? जब तुम मुरादपुर से निकला था तब तो तेरी दाढ़ी थी, अब कहाँ गई? मेरे मुँह में अचानक ही गायब हो गई। वो छली सारी खा के बड़ी स्पीड मारी है यार, मजे देने नहीं मजे के वो खानी पे मजे दे। साइकिल हम लोग छोड़ के गए थे बिल्कुल A1 कंडीशन में, लेकिन इसका ये हवाई यहाँ से निकली हुई, शायद अब्दुलमान लेके गया होगा। ऐसा करते हैं, एक बंदा बाइक पे जाता है, एक साइकिल पे, साइकिल पे जाएगा। क्यों, तू तो कहता बड़ा शौक है मुझे। ये साइकिल ना रामा दे, जिना रामा दे कटा ना होए, जिना रामा तो पत्थर मार। तू चाह रहा तेरे को मोटर पे बना के दे? ए दूसरे राह ने मरी मरी वाली साइड तो ना रामा दे। चल उधर चलते हैं, चलें फ्रेश वगैरह हो गए। हम लोग बाहर आ गए हैं, अभी थोड़ा सा रेस्ट किया है, पानी शानी पिया है, थोड़ा आपने देखा छली वगैरह खाई है। इसका इंजन का काम करवाने वाला है, मतलब इंजन का काम मुराद ये कि मेन काम नहीं, मतलब ट्यूनिंग करने वाली है, इसका ऑयल चेंज होने वाला है, वो इसका करवाएंगे मेन काम। यहाँ से भी हम जाएंगे हेयर, और उसके साथ साथ हम लोगों ने वहाँ से पानी भी ले जाना, क्योंकि पानी यहाँ पे जिस जगह हम लोग रहते हैं पीने का पानी बिल्कुल खस्ता हालत है, लोग पीते हैं लेकिन बहुत बेकार पानी है। तो हम लोग लेके आएंगे नहर के पास से, नलके लगे हो गए ना, बड़ा साफ सुथरा पानी, ठंडा बिल्कुल फ्रेश पानी, 300 फुट बोर है और यहाँ से बड़ा दूर भी 15 किलोमीटर दूर है, जहाँ से पानी जाना फिर 15 किलोमीटर आना, टोटल 30 किलोमीटर है। भाई साहब सेहत वास्ते जरूरी है, तुसी पैसे खर्च के पानी साफ। हमारे पास दो बोतलें, क्योंकि थोड़ा दूर है इसलिए हम लोग दो बोतलें लेके आते हैं, एक ये और
दूसरी जो है वो ये बॉटल है। ये दो बॉटल में पानी लेके आएंगे और इसके अलावा बाइक वाला काम जो है वो करवाते हैं, क्योंकि इसको हमने बड़ा फिराया, बड़ा घुमाया, गांव लेके गए थे, वहाँ भी कुछ लोगों ने चलाया, तो इसकी ट्यूनिंग वाला काम थोड़ा ओवर हो गया, मतलब टाइम से ऊपर हो गया, जो जितने से किलोमीटर चल रहे हैं उससे ऊपर चला गया। तो इसको जाकर रिपेयर कराते हैं, फिर अगले ट्रिप पे भी तो निकल रहे हैं। नहीं जाना है, नहीं जाना अगले ट्रिप पे, जाना है ना अगले ट्रिप, जाना साइकिलों पर जाना है, लेकिन साइकिलों का ये है कि हमने एक और साइकिल लेनी है, फिर उसके बाद हम निकलेंगे। अभी वैसे शहर में चलाते रहा करेंगे, लेकिन जल्द से जल्द एक और साइकिल को बंदोबस्त करेंगे, सही साइकिल जो हमारी जरूरत पूरी करती है, तो उसके घर निकलेंगे। अभी चलते बाइक की ट्यूनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। वकास अंदर टांग पे टांग रख के चौधरी की तरह बैठा हुआ है, और जो हैंडल वाला मसला है, हैंडल वाला मसला यार, मैं हम ये सोच रहे हैं कि वो हम बाद में करवाएं, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं मगरिब हो गई, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा उसको होने में, तो यहाँ से ट्यूनिंग वगैरह करवा के फ्री होकर सीधा घर चले। ट्यूनिंग वगैरह हो चुकी है सारी, जो बंदा है जिसने ट्यूनिंग की है वो अभी चेक करने गया उसको, और जब ये ट्यूनिंग हो जाएगी इसके बाद ये पानी भरना है, ये नीचे पानी है जहाँ से हमने 15 बोतलें हैं, तो बोतलें भरेंगे और फिर चलेंगे घर। ठीक हो गया, ठीक है। मैकेनिक है वो चेक कर गया, चला के ट्यूनिंग वगैरह सारा कुछ, हर चीज़ सेट हो गई है, हर चीज़ उसने प्रॉपर तरीके से काम किया है। पहले मैंने टेस्ट की थी, अब वकास टेस्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से तो बाइक फुल ओके हो गई, बिल्कुल नई की तरह हो गई। वकास तेरा क्या है, अभी तो बैठा है बाइक रेस दे रहा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਬੜੀ ਹੈਵੀ ਕੀਤੀ बोटलें वगैरह मैंने यहाँ पे भर लिया। उम्मीद है आपको हमारे साथ ही आज के दिन गुजार के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हम लोग सुबह गए थे मुराद, मतलब सुबह मुरादपुर से वापस आए, और जो दो वीडियोस हमने दो व्लॉग वहाँ पे बनाए हैं, एक जिन्नों के मकबरे वाला और दूसरा जो हम लोग गए थे पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर पे, वो काफ़ी आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं देखा तो ऊपर यहाँ आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहे हैं, अगर आप चैनल पर जाएंगे मोहम्मद शहाब पे आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।